बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं सीमा वर्मा, मैं आज आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्लियर? लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका हमारा रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इसको करना किस तरह से है। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। सपोज़ हम ए और बी, ये दोनों भाई हैं। क्लियर? ए और बी दोनों भाई हैं, इन दोनों के पास 100 रुपीज़ हैं। कितने रुपीज़ हैं? 100। और सपोज़ ए के पास 60 रुपीज़ हैं, बी का हमें पता नहीं 100 रुपीज़ इसके पास है, तो बताइए बी के पास कितने रुपए हुए। क्लियर? अब हम ये देखें, अगर हम नॉर्मल यू पूछा जाए तो आप बता देंगे कि बी के पास कितने रुपए हैं? 40 रुपीज़ हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल वे में अगर इसे हम पुट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट बी हैव मनी इज़ एक्स। हमने एक्स लेट कर ली, नाउ वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह क्या लिख देंगे, एक्स, दैट इज 60 प्लस एक्स इज 100। अब हमें इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब ये इस इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें ये पता करना है। इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास ये क्या है, एक्स, इस एक्स को हम यही लिख देंगे, इज इक्वल टू 100। ये प्लस, यहाँ पर अगर कोई भी डिजिट नहीं होती है तो उसे हम मानेंगे क्या है, यहाँ पर प्लस। अदरवाइज अगर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ होता है तो वो माइनस तो है ही, हमें दिख रहा है। अगर नहीं लिखा हुआ होता है तो हम यहाँ पर यही मानेंगे कि यहाँ पर, यहाँ क्या साइन है, यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा। ये प्लस 60 है, इसकी अगर हम साइड चेंज कर रहे हैं, साइड चेंज मतलब ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इधर की साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, इस लेफ्ट हैंड, इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर अगर हम लेकर जाएंगे तो इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस तरह से कहें कि वो एक घर से दूसरे घर में जा रहा है, तो उसकी जो लैंग्वेज है, जो भी चीज़ है, वो चेंज हो जाएगी। सपोज़ ये प्लस में है तो यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 60, दैट इज़ 40। आ गया वही आंसर कि बी के पास कितने रुपीज़ हुए, 40 रुपीज़ हुए। बस इन्हीं, इसे ही हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस के थ्रू कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 2x+5 = 8। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। अब पहले हम ये देखेंगे वेरिएबल होते क्या हैं। जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, जितनी भी इस तरह के डिजिट होती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। 2x, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट होते हैं जो नॉर्मल आपकी डिजिट होती है, 7, 5, 6, ठीक है, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। एक होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होते हैं, सपोज आपके पास 2x है, ठीक है, 2x में आपसे ये पूछा जाएगा, x क्या है, वेरिएबल, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2। क्लियर हो गया इतना? तो हमें इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें यही देखना है कि इसमें वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे ही आपकी ये इक्वेशन सॉल्व होगी। कैसे, देखिए, इसमें वेरिएबल वाले, वेरिएबल कौन सा आपके पास, वेरिएबल है आपके पास 2x और कांस्टेंट क्या है, 5 और 8। तो हम इसे इजी करने के लिए, इन इक्वेशंस को इसी तरह सॉल्व किया जाता है कि इसे इजी करने के लिए क्यों ना हम वेरिएबल एक साइड लिख लें और कांस्टेंट एक साइड लिख लें। तो वेरिएबल आपके पास क्या है, 2x इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है, 8। इस वेरिएबल के साथ में ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट के साथ में ही मिला देते हैं,
इसके साथ में 5 है, 5 है, 5 के साथ में साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। हमेशा याद रखना, जब भी हम साइड चेंज करेंगे, जब भी हमें साइड चेंज करनी है तो उसके साथ में जो भी साइन है वो साइन चेंज हो जाना है। जैसे ये प्लस 5 है तो साइड चेंज कर रहे तो साइन आ जाएगा यहाँ पर माइनस का। क्लियर? क्या करा हमने, हमने वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड लिख दिया। वेरिएबल है हमारे पास 2x और कांस्टेंट है 8, और ये प्लस का 5 है तो इसने साइड चेंज करी तो यहाँ पर ये कैसा हो गया? माइनस का। अब क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3। और अब क्या करा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 2 मल्टीप्लाई एक्स, और ये साइड चेंज है तो इसे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके कैसे हो जाएगा, डिवीज़न में। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये मल्टीप्लाई, ये मतलब यहाँ पर डिवाइड में क्यों चला गया, ये प्लस में क्यों नहीं हुआ, या ये माइनस में क्यों नहीं हुआ, या ये मल्टीप्लाई में क्यों नहीं हुआ। इसका भी एक रूल होता है, जब हमारे पास साइड चेंज करते हैं प्लस में होती है डिजिट तो उसे माइनस में कर देते हैं, लेकिन जब आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन में है और आप इसे साइड चेंज कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट को साइड चेंज करने पर ये डिवीज़न में चला जाता है और x इज इक्वल टू 3/2, दैट इज़ योर आंसर। इतना क्लियर हुआ? इसी तरह ये इक्वेशन सॉल्व होती है। एक बार और देख लीजिए हमने कैसे करा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। हमने क्या करा, वेरिएबल एक साइड करे, कांस्टेंट एक साइड करे, वेरिएबल 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3, फिर ये मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे वही है, इक्वेशन है। इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें वही स्टेप देखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें वेरिएबल एक साथ करने और कॉन्स्टेंट एक साथ करने हैं। इसमें वेरिएबल क्या है, 3x, इसमें वेरिएबल क्या है, 2x। तो वेरिएबल एक साथ ले ले पहले, 3x अपनी जगह यही रहेगा, साइड चेंज किसकी है, 2x की, 2x इधर की साइड आएगा, ये राइट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, कौन सी साइन है इसके आगे, प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर प्लस का ही साइन है, तो यहाँ पर ये प्लस का, यहाँ पर साइड चेंज करी तो ये क्या हो गया, माइनस 2x। अभी तो हमने क्या करा, जो आपके वेरिएबल वाले डिजिट हैं उन्हें हमने एक साइड कर लिया, बचे क्या, कांस्टेंट, बचे क्या है, कांस्टेंट। अब हमने क्या करा, कांस्टेंट वाले भी एक साइड कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर ये 3 है, प्लस का 3 है, ये एज इट इज़ यहीं रहेगा, ये इसकी साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड जा रहा है, यहाँ पर इसके आगे कौन सा साइन है, बस हमें इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके साथ में जो भी साइन है वो हमें चेंज करना ही करना है। जैसे यहाँ पर ये माइनस 7 है तो यहाँ पर आके इसकी साइड चेंज हुई तो ये हो गया प्लस का 7। अब सिंपल है, 3 माइनस 2x, 3x माइनस 2x दैट इज 1x, 1x तो ऐसे ही लेंगे, 3 प्लस 7 दैट इज 10, मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 10, एज सिंपल एज दैट, राइट। इतना क्लियर हो गया, बस आपको यही ध्यान रखना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जितने वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, राइट। सेकंड स्टेप क्या होगा, जब इनकी साइड हम चेंज कर रहे हैं तो हमें इनके साइन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये साइन हमें चेंज करने ही करने हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 5 + x इज 8। एकदम बेसिक क्वेश्चन समझा रही हूँ जिससे आपका वो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर? अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, वेरिएबल, वेरिएबल इसमें x है, इसे हमने यही रखा और यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है नहीं, क्लियर है, तो इसे ऐसे ही रखेंगे। अब हमने कॉन्स्टेंट एक साइड कर लिया, 8 यहीं रखेंगे, इसकी साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इसे राइट हैंड साइड लेकर आ रहे हैं, प्लस का साइन है, यहाँ पर आके माइनस 5 और x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3 इज योर आंसर। एकदम इजी वे में करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, 3y/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि ये इस तरह से आ गया है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, इसे किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, 3y/2 ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू वही कॉन्स्टेंट एक साइड कर देंगे, 9 माइनस 3 है, ये प्लस 3 हो गया, 3y/2, 9 प्लस 3
12। अब हम क्या करेंगे इस को सॉल्व करने के लिए, इसके भी ये रूल्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम करना है अपॉन वन करके, क्यों ना हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3y के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, एंड 3y की 1 में करी 3y, 12 टू जा 24, एंड y इज इक्वल टू, जब मैंने बताया था आपको यहाँ पर, जब ये साइड में मल्टीप्लाई होता है और साइड चेंज करते हैं तो वो किस में चली जाती है, डिवीजन में चली जाती है, देन y इज इक्वल टू 8, 3 जा 24 इज योर आंसर, 8 इज योर आंसर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही बेस आपका, कंसेप्ट आपका सब क्लियर होता चला जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया हमारा, 6 क्वेश्चन नंबर 6 है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 7। एक और नई चीज़ आ गई हमारे लिए, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, इस ब्रैकेट को हमें हटाना है। क्लियर, इस ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 2 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, इसी तरह 3 की मल्टीप्लाई 2x में और 3 की मल्टीप्लाई 7 में, माइनस एज इट इज़ लिखा जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई x में करी 2x आया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6x, 7 3 जा 21। बिल्कुल किसके जैसी इक्वेशन हो गई आपकी, यही वाली इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सेम ऐसे ही बन गई। क्या करेंगे अब इसमें, सेम वेरिएबल एक साथ कर देंगे, 2x प्लस 6 है माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 21 है, ये पूरा माइनस 21 ही मानेंगे हम, ये प्लस 6 है तो यहाँ पर आगे माइनस 6, 2x माइनस 6, एक्स कितना होगा, 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4x। अब इसमें बड़ी डिजिट कौन सी है, 6 है, इसके आगे साइन कौन सा, यहाँ पर जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें यही देखना है कि इनके आगे साइन कौन सा लग रहा है, इन दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है, 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के आगे साइन कौन सा लग रहा है, माइनस का, अब 6 माइनस 2 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x। इसी तरह ये माइनस माइनस क्या होते हैं आपके, प्लस होते हैं, बट साइन आपका यहाँ पर माइनस का ही आएगा, 21 में 6 प्लस करेंगे 27। अब दोनों साइड आपके पास माइनस है, इज इक्वल टू में दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन में एक्स इज इक्वल टू 27/4 इज योर आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे, ये आपका होमवर्क में है, बिल्कुल सेम ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अपने आप करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन है ये वाला और करके दिखाते हैं, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सेम है बिल्कुल इसी की तरह, ब्रैकेट हमें हटाना है, 5 मल्टीप्लाई एक्स, 5 की मल्टीप्लाई माइनस वो सॉरी 3 में कर देंगे, एक्स प्लस 5, ये हुआ आपका 5x, 5 3 जा 15 और एक्स प्लस 5, सेम वेरिएबल एक साइड लिख देंगे 5x, ये प्लस का x है, साइड चेंज होगी माइनस x और ये प्लस 5 एज इट इज़ यहीं लिखेंगे, ये माइनस 15 है, साइड चेंज होगी तो ये हो गया आपका प्लस 15। 5x में से x मतलब इसके आगे जो कोफिशियंट मानेंगे, अगर इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे इसके आगे 1 लिखा है, तो 5x में से 1x माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 4x, 15 प्लस 4 कितना हुआ आपका 20, अब मल्टीप्लाई में है, x इज इक्वल टू 20/4 और x की वैल्यू कितनी आई, 4 5 जा
20 इज योर आंसर. एकदम क्लियर है. सिंपल इक्वेशंस हैं, बस इन्हें आपको सॉल्व करना है. बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक में आपको ये सब क्लियर करके रखना है. सेम वेरिएबल एक साइड लिखने हैं, सेम कांस्टेंट एक साइड लिखने हैं, फिर हमें साइड चेंज करनी है तो हमें माइनस प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. जब भी साइड चेंज होगी तो हमें, अगर साइड में प्लस की है तो साइड चेंज होगी तो वो माइनस की हो जाएगी, और माइनस है तो साइड चेंज होगी तो प्लस की हो जाएगी. बस और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल है. और ये मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ये डिवीजन में चला जाता है, साइड चेंज होती है, और अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है. बस यही करना है और कुछ नहीं है. ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके बाद हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करके दिखाएंगे. बस आज के लिए इतना ही. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. नमस्ते. राधे राधे.